तरकारी खाते हैं। हफ्ते में एक दिन ऐसा है कि मंगल का दिन है, उसमें आप 100 के चार देते हैं। जब तक ये बर्गर नहीं खाए भाई हमको मजा नहीं आता। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? भाई बाल कटवाने हैं। बाल कटवाने? हाँ। अरे अल्लाह के बंदे, बर्गर की दुकान है, बर्गर लेने आए। 100 रुपए में पेट भर जाएगा अल्लाह के हुक्म से। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज हम मौजूद हैं रामस्वामी चौक रंचलैंड के कप में, और हमारा आज का मुद्दा जो है ना वो है ये 100 का नोट। 100 के नोट को अगर मैं आपको देता हूँ, आपको कहता हूँ कि भाई कुछ खा लें, तो आप परेशान हो जाएंगे कि 100 के नोट में भाई आजकल तो अगर बेकरी पर जाए तो टोफियाँ मिलती है, और बच्चे को अगर 100 का नोट दो ना तो फेंक के चले आता है। तो भाई लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे 100 के नोट में आपको मिलते हैं 3 बर्गर। हफ्ते में 6 दिन ये आपको देंगे 100 में 3 बर्गर, और हफ्ते में 1 दिन आपको मिलेंगे 4 बर्गर। परेशानी होगी आपको सुन के और समझ के, लेकिन आप यहाँ आएंगे तो आपको हकीकत मिल जाएगी यहाँ पे कि 100 में 3 बर्गर मिलते हैं यहाँ पे 6 दिन, और 1 दिन 4 बर्गर मिलेंगे। तो भाई ये डील यहाँ पे क्यों स्टार्ट की है, इनसे पता करते हैं इन्होंने क्यों बनाई है, रहम दिली आवाम के लिए इन्होंने क्यों दिखाई है ये भी मालूम करते हैं, इनका जायका कैसा है ये भी चेक करके आपको बताएंगे। तो फिर आओ मेरे साथ। दोस्त हमारे जिन्होंने ये रहम दिली आवाम के लिए दिखाई है, कैसे हैं भाई जान आप? क्या नाम है आपका? फराज कुरैशी। फराज भाई ये बताएं कि आपने ये बर्गर की जो डील निकाली है ये क्यों निकाली है? भाई एक तो महंगाई का दौर है, ठीक, महंगाई के हिसाब से जो है हमने जो ये डील निकाली है कि आवाम को थोड़ी सी हमदर्दी की वजह से हमको जो है सहूलत मिल जाए। सहूलत मिल जाए, इस वजह से 100 के दिन चला रहे हैं, और हफ्ते में एक दिन ऐसा है कि मंगल का दिन है, उसमें आप 100 के चार देते हैं अपनी खुशी से। तो आपका कमाने का इरादा नहीं है यानी? बस ये है कि आवाम की खिदमत कर रहे हैं कि बहरहाल अल्लाह पाक इसमें भी हमको कुछ ना कुछ दे ही देता। तो ये आप ये पीछे देखें भाई, ये इस तवे पे कितने टोटल जो बर्गर है इस वक्त एट अ टाइम मौजूद, यानी एक टाइम में कितने बन को आप लगा सकते हैं बर्गर? ये 80 तकरीबन 80 बन को आप बर्गर लगाते हैं एक टाइम में, 80 बर्गर लगते हैं ये पार्सल कर करके जो है देते रहते हैं। देते रहते हैं आप? तो इसके अंदर मतलब कबाब है या सिर्फ दाल है, क्या है ये? दाल के, दाल और आलू मिक्स होता है, उसका कबाब होता है ये। अंडे में डिप होता है कबाब, चटनी प्याज इसमें जो है, सैलेड होती है, प्याज गोभी खीरा ये मिक्स होता है। ये आपका जो चोले कहाँ पे मौजूद है? रामस्वामी राघव स्ट्रीट चलने वाली गली। बर्गर खाने में बहुत लजीज है, बहुत टेस्टी है, मैं रोज आना लेके जाती हूँ, दोपहर का खाना नहीं बनाते, बर्गर ही खाते हैं। Women. खाना बनाना बंद कर दिया? जी खाना बनाना ये आप पाकिस्तानी औरतों को, आप पाकिस्तानी औरतों को जो है ना बिगाड़ने वाली बातें कर रही हो, खाना बनाना छोड़ देंगी अब। और यानी कि बच्चे भी खुश हो जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत लजीज है इनके बर्गर। अच्छा तो अब ये बताएं कि मतलब 100 रुपए में 3 बर्गर मिल रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज का और पता है कि मंगल के दिन जो है 100 में 4 बर्गर मिलेंगे यहाँ पे? जी जी हमें पता है, हम रोज आते हैं, हम यहाँ से बर्गर लेके जाते हैं, बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं। आपने खाना बनाना क्यों छोड़ दिया? शोहर तो गुस्सा हो रहे होंगे। नहीं मेरे शोर दोपहर में नहीं होते, दोपहर में बच्चे हम लोग सब यही खा लेते हैं, और बच्चे भी खुश, हम भी खुश। केस नहीं है लेडीज जो है वो खाना पकाने से बच्चे आता ही नहीं है तो क्या करें? तो लेडीज को आप ये मशवरा देंगे खाना पकाना छोड़ें और बर्गर ले लें आगे? केस आता ही नहीं तो क्या करें फिर? सबसे अच्छी बात तो सबसे अच्छी सहूलत यही है। तो ऐसे ऐसे जो डील्स है ये हर जगह होनी चाहिए वैसे? ये हर जगह होनी चाहिए, सही बात है, क्योंकि आजकल हर जगह गैस की लोड शेडिंग है, हम बहुत परेशान है, तो इसलिए ये हर जगह होना चाहिए। यानी लोड शेडिंग का हल बर्गर, गैस ना हो हल बर्गर, हर चीज का हल सिर्फ बर्गर। यहाँ एक और भाई भाईजन, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? भाई बाल कटवाने हैं। बाल कटवाने? अरे अल्लाह के बंदे, बर्गर की दुकान है, बर्गर लेने आए। ऑफर लगी हुई है, डील लगाई हुई है, 100 रुपए के 3 है, आवाम का पेट भर जाता है, खाने का अच्छा ये है। चलो भाई ये भूल गए मैं, 100 रुपए में 3 और क्या चाहिए यार, तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि बाल कटवाने आए हो। मैंने वाकई आप बाटी ऐसे कर रहे हो ना, बर्गर की दुकान पे खड़े हुए बर्गर लेने आए ना यार, तो बाल थोड़ी कटवाने आए। तो आप बर्गर खाए और मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने। तो हमारे साथ मौजूद है भाई यहाँ के डेली कस्टमर जो यहाँ से रोज जो है ना 3 बर्गर लेके जाते हैं, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई, आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। तो आप डेली यहाँ से बर्गर लेके जाते हैं? भाई मैं रोज लेके जाता हूँ, और मेरे बच्चों को, मेरे को, हमारे को, सबके यही मुंह लगे हुए, और अब ऐसा हो गया जब तक ये बर्गर नहीं खाए और एक कप चाय नहीं पिए ना भाई हमको
मजा नहीं आता। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना भाई। मैं रक्षा चलाता हूँ, मैंने एक दवा खाया था, माशाल्लाह अच्छा लगा, मैं दोबारा आया हूँ। यानी कि एक अगर किसी को 100 रुपए किसी की जेब में है और वो कंफ्यूज है कि भाई मुझे खाना खाना है, भूख लग रही है, तो वो यहाँ आके 100 रुपए में पेट भर जाएगा, अल्लाह के हुक्म से पेट भर जाएगा, आराम से खा सकेगा। आप मेरा दूसरा था, ये तीसरा बनवा रहा हूँ। तीसरा बनवा रहे हैं आप? अच्छा, आपको एक इनकी एक और डील का पता है? नहीं। मंगल के दिन 100 में 4 बर्गर देंगे। माशाल्लाह, कैसा लगता है? बहुत अच्छा यार, अगर बाहर से हम लें तो यही 70 रुपए का मिलेगा एक बर्गर। एक बर्गर तो भाई ये देखें, 100 का नोट ये रहा और ये मैं जा रहा 100 का नोट इनके हाथ में, और ये आ गए 3 बर्गर। अगर बिलफर्ज में मंगल के दिन आता तो ये 3 की जगह मुझे 4 मिलते हैं, ऐसा ही है? यानी अगर मैं मंगल को आऊं तो 4 बर्गर मिलेंगे मुझे, 100 के 4। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो भाई 3 बर्गर मैंने 100 रुपए दे के इनसे हासिल कर लिए हैं, और इसके बाद अब इनका जायका चखने की बारी है। ये चखते हैं और आपको बता देंगे भाई क्या दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं इनके बन की, तो इतना छोटे वाला बन, गावा वाला बन नहीं है ये आपको इसकी थिकनेस नजर आ जाएगी। ऊपर से ये तिल वाला बर्गर है, बन जो है इनका तिल वाला है, सादा बन भी नहीं है। तो भाई बन की क्वालिटी तो आपको ये दिखा दी मैंने। फिर इसके बाद इन्होंने जो ये कबाब का जो बनाया है, इन्होंने एक पीस वो पेटी अंदर रखी है। अब इसको टेस्ट करते हैं, फिर आपको बता दें। जो बर्गर आपको 100 में 70-80 रुपए में एक मिलता है ना, वो जायका आपको यहाँ पे वो 100 में 3 बर्गर में मिल रहा है। सेम जायका कबाब का जायका इनका जो पेटी का बहुत अच्छा है, और चटनियाँ इनकी जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये खुद बनाते हैं, रायता वगैरह, रायते का जायका भी बहुत अच्छा मुझे आ रहा है। एक बाइट में एक और लेता हूँ ताकि अंदर पेटी का जायका जरा और समझ में आ जाए मुझे। तो भाई ये इनका रायता, ये केचप है, केचप का जायका तकरीबन सेम ही होता, तो भाई रायते की तरफ जाते हैं हम। मैं कहता हूँ कि अगर आम दुकान से या स्टॉल से अगर आप बर्गर लेते हैं, आम दुकान से या स्टॉल से ये बर्गर लेते हैं, तो ये 100 रुपए में आपको या 80 रुपए में कम से कम एक बर्गर आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे 100 में 3 बर्गर दे रहे हैं, किसका बन भी अच्छा है, इनकी कबाब की पेटी वो भी अच्छी है, बाकायदा पीछे इन्होंने आप पीछे देख सकते हैं कि एक सलाद बनाई हुई है, ये भी इसके अंदर डालते हैं, जिसमें खीरा, प्याज और गोभी जो है ये सब शामिल है। इतनी इतनी सी भी नहीं है कि भाई इतनी सी जो है डाल के छोड़ दी, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा जायका है। आप आए ट्राई करें। इनका एड्रेस आपको मैं फिर गाइड कर देता हूँ, रंचलाइन की अकब में, ये रामस्वामी बड़ा मशहूर इलाका है, आगो सीधे चने वाली गली के बिल्कुल सामने है। चने वाली गली अगर वाजिद भाई दिखा देंगे, वाजिद वो देखें भाई, चने वाला दुकान है, वो चने वाली दुकान है, उसके बिल्कुल सामने इनका स्टॉल है। यहाँ पे आए बर्गर टेस्ट करें, बहुत आउट क्लास बर्गर है, मज़ा आया मुझे। और 100 में 3 बर्गर अगर आपको मिलते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि 100 में 4 बर्गर अगर आपको चाहिए तो आपको मंगल को यहाँ आना है और इनका टेस्ट लेना है। आपने ये बनको आपका जो बर्गर का सोचा कि डील निकाले हैं इस महंगाई के अंदर, 100 रुपए के अंदर जब बच्चों की चीज़ें मुकम्मल नहीं आती, तो आप 100 में 3 बर्गर और हफ्ते में एक दफ़ा 4 बर्गर कैसे दे रहे हैं? बस ये कि जो आवाम की खिदमत करने के लिए आए हम लोग, वैसे तो हमारा ये बहुत पुराना डिया, तकरीबन 40 साल पुराना डिया है। 40 साल पुराना डिया था, ये बीच में बंद हो गया था हमारा ना, ये हमारे वालिद साहब के टाइम से इतना ही रश है ना, पहले हमारे वालिद साहब के टाइम पे होता था, और आज इंशाल्लाह ताला वही रश नजर आ रहा है। बस ये कि सिर्फ एक आवाम की खिदमत के लिए 40 रुपये 100 रुपये का 3 बर्गर करें, 100 के 3 बर्गर कर दिए, और हफ्ते के अंदर एक दफा लिए वो मंगल का दिन है, उसमें 100 रुपये के 4 चलाएंगे। यानी कि हर मंगल आप आवाम को 100 में 4 बर्गर देंगे? हर मंगल को 100 में 4 बर्गर। अपना नंबर आप बताएं कि अगर कोई कांटेक्ट करके आना चाहे, या आपसे बिल्कुल ऑर्डर पे अगर कोई बर्गर बनवाना चाहे, तो अपना नंबर बताएं जरा। मेरा नंबर है 03212179122। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने भी देखा वीडियो के अंदर के 100 में 3 बर्गर, एक तो रेट मुनासिब, ऊपर से जायका है इनका लाजवाब, आवाम की राय वो भी आपको दिखाई कि भाई आवाम तो वैसे खुश हो गई, 100 के अंदर 3 बर्गर जब खाती है ना तो वो हैरान पहले तो हो जाती है। और खास तौर पर ये ऐसे लोग जो रिक्शा चला रहे हैं, बाइक क्या चला रहे हैं, अगर उनको अगर यहाँ पे निकलना होता है और वो देखते हैं 100 में 3 बर्गर है और खाने के बाद उनको जायके में भी मज़ा आता है, तो एक गरीब के लिए और एक मजदूर तबके के लिए ऐसे बर्गर कुछ नहीं है। अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, दोस्त यार है, गैदरिंग है और खाने का मूड है,
तो 100 में 3 बर्गर। लेकिन आपको एक और जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि भाई हफ्ते में एक दिन 100 में 4 बर्गर भी देते हैं ये, वही इन्होंने मंगल का दिन रखा है कि मंगल के दिन आपको 100 रुपए में 4 बर्गर मिलेंगे भाई जान। 4 बर्गर जो के अगर आम दुकान यार आम दुकानदार या एक स्टॉल वाला जो है ना 100 में या 70 रुपए में हद मार के 80 रुपए में एक बर्गर देता है, वही बर्गर वही क्वालिटी वही क्वांटिटी के अंदर आपको ये 100 में 4 बर्गर मिलेंगे मंगल के दिन। तो फिर भाई वीडियो आपने देखी, आपको मज़ा आया होगा, यहाँ पे आए और टेस्ट करें भाई, बहुत अच्छा जायका था, मैंने भी टेस्ट किया, बहुत बहुत मज़ा आया। और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।